एक बार की बात है, किशोर नगर नामक गांव में साविजरी देवी की दो बहू थी, निर्मला और संजना। निर्मला बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और संजना वह बहुत ही ज्यादा घमंडी, लालची और बदतमीज थी। वह अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी और निर्मला सावित्री देवी का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए सावित्री निर्मला से प्यार करती थी, जिस वजह से घमंडी संजना बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वह घड़ी आ जाती है जब दोनों देवरानी जिठानी माँ बनने वाली थी। तभी सावित्री देवी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मेरे घर में चार चांद लगने वाले हैं, जब मेरे घर में दो दो पोते आएंगे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। संजना अब तुम पार्टी वगैरह जाना बंद कर दो और फल फ्रूट खाया करो, बाहर का खाना मत खाया करो, वरना पता नहीं तुम्हारे बाहर के खाने की वजह से तुम कैसे बेटे को जन्म दो। सावित्री देवी की यह बात सुनकर संजना और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वह अपनी सास की बात बिल्कुल नहीं मानती। वह बाहर घूमना, बाहर का खाना खाना, पार्टियां करना बिल्कुल भी बंद नहीं करती और निर्मला घर का सारा काम करती और पौष्टिक आहार खाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वह खुशी की घड़ी आ जाती है। संजना और निर्मला दोनों ही एक एक बेटी को जन्म देती हैं। सावित्री देवी का बेटियों का नाम सुनते ही मुंह बन जाता है, उसके माथे पर बल आ जाते हैं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि उसके घर बेटियां आई हैं, इसलिए वह गुस्से में हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। कुछ समय बाद संजना की दोस्त मिलने उससे आती है और उसकी बेटी को देखकर उससे कहती है, अरे यार संजना, मैं तो मेरे पति के साथ आई थी, तुम्हें हॉस्पिटल में देखा तो तुमसे मिलने आ गई, लेकिन यार तेरी बेटी को देखकर तो ऐसा लग रहा है अब तेरे ससुराल में तेरा कोई ठिकाना नहीं, तेरी तो थू थू होने वाली है। यह तुम क्या कह रही हो, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह सुंदर होगी, मेरी जिठानी की बेटी होगी बदसूरत, क्योंकि रंग रूप में वह मुझसे कितनी ज्यादा कम है, मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मेरी बेटी भी मेरी तरह सुंदर होगी। नहीं मैम, यह आपकी गलत फहमी है, आपकी जिठानी की बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा लग रही है अप्सरा, लेकिन आपकी बेटी उसका रंग रूप थोड़ा दबा हुआ है। नर्स की यह बातें सुनकर संजना गुस्से से तिल मिला जाती है और वो मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी जिठानी मुझसे कम सुंदर थी लेकिन उसने ससुराल वालों का दिल जीत लिया, उनकी गुलामी कर अब उस निर्मला की बच्ची का ससुराल में और भी ज्यादा कद बढ़ जाएगा जब उसकी तारीफ करेंगे उसकी सुंदर बेटी को लेकर, मुझे कुछ करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ याद आया, कामिनी मेरा एक काम करोगी, मुँह मांगे पैसे मिलेंगे। संजना कामिनी के कान में कुछ कहती है और जब रात हो जाती है तो कामिनी संजना की दोस्त वह संजना और निर्मला की दोनों बेटियों को एक काला जादू करने वाली जादूगरनी के पास लेकर जाती है और संजना ने जो उससे कहने के लिए कहा था उससे जाकर कह देती है, तो जादूगरनी निर्मला की बेटी को पूरी तरह से काला कर देती है और उसके सुंदर सुनहरे बाल भी काले कर देती है और जो उसका रंग रूप था वह संजना की बेटी को दे देती है। संजना की बेटी अब दूध की तरह सफेद और बेचारी निर्मला की बेटी वह कोयले की तरह काली हो जाती है। कुछ समय बाद कामिनी हॉस्पिटल में दोनों लड़कियों को लेकर आ जाती है जिसे देखकर संजना कहती है, सच में कामिनी तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, अब निर्मला की बेटी काली कलूटी और मेरी बेटी दूध की तरह सफेद, अब ससुराल में मेरा सिक्का चलेगा और अब बेचारी चाहकर भी सुंदर नहीं हो सकती, अब मेरी बेटी राज करेगी और वह दूसरों की दुत्कार सुनेगी बहुत मजा आएगा, निर्मला की बच्ची बहुत बनती थी ना, अब देखना तेरी काली कलूटी बेटी के साथ क्या होने वाला है। ऐसा कहकर संजना बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारे निर्मला की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर किशोर और सावित्री सुनते हैं तो वह तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं। तभी नर्स निर्मला की बेटी सावित्री देवी के हाथ में देते हुए उसे सब बताती है। सावित्री देवी निर्मला की बेटी को देखते ही आग बबूला हो जाती है, लेकिन सावित्री देवी को कहां पता था कि निर्मला की बेटी तो बहुत सुंदर थी, यह सब कुछ संजना का कारनामा है।
देखा किशोर बेटा, कैसी अभागन बेटी तेरे घर में पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और रंग रूप की भी अच्छी नहीं है। काली कलूटी जैसा रंग रूप लेकर आई वैसा ही असर कर दिया। अपने काले साए से हमारी जिंदगी में भी मनहूसियत फैला दी। काली कलूटी बदसूरत, इसे तो मुझे अपनी पोती कहते हुए भी शर्म आ रही है। कहाँ मैं पोते आने का इंतजार कर रही थी, कहाँ ये काली कलूटी मनहूस पल्ले पड़ गई। ऐसा कहकर सावित्री देवी संजना के पास जाती है और उसकी बेटी को देखकर संजना से कहती है, कम से कम तुमने तो सुंदर बेटी को जन्म दिया है। तुम्हारी बेटी को देखकर मेरा दिल खुश हो गया, वरना वो निर्मला ऐसी काली कलूटी पंडरिया जैसी बेटी को जन्म देकर गई है। मैं क्या ही बताऊं। देख संजना, अब तुझे निर्मला की बेटी को भी संभालना है। जैसी भी है तो इस घर की बेटी ही। संजना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया। ऐसे ही समय बीत रहा था, निर्मला और संजना की बेटी का नामकरण हो जाता है। निर्मला की बेटी का नाम आरोही और संजना की बेटी का नाम तारा रखा जाता है। सावित्री देवी आरोही से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और संजना तो पहले ही अपनी जिठानी की बेटी से खुश नहीं थी, तो वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं देती थी। बेचारी बिन माँ की बच्ची, न दादी का प्यार मिलता और ना ही घर में किसी और का। पिता बाहर काम क्या करते थे और बाहर वाले भी आरोही को खरी खोटी सुनाया करते थे। सिर्फ उसके रंग रूप की वजह से आरोही बिल्कुल अकेला महसूस करती थी और एक दिन वह अपने रूम में अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, क्या सच में मैं अभागन हूँ? दादी मुझे काली कलूटी समझकर मुझसे प्यार नहीं करती और चाची जी तो मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आज मैं 18 साल की हो गई और 18 साल में मैंने एक बार भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना, आरोही बेटा। बाहर वाले भी और घर वाले भी काली कलूटी काली बदरिया कहकर ही मुझे पुकारते। मुझे बहुत दुख होता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ, क्यों चले गए? आरोही, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा और उसके बाद मुझे याद आया कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी अपनी माँ से बात करते हुए। आरोही, मैं जानती हूँ कि मम्मी और दादी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बहन तो तुम्हें पसंद करती है ना, तुमसे प्यार करती है ना, तो फिर तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? चलो आज मैं तुम्हारा मूड ठीक करके लेकर आती हूँ, बहुत खराब है ना, चलो मेरे साथ। तारा, अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मगर तारा, चाची को अगर पता चल गया कि तुम उससे बातें कर रही हो तो कयामत आ जाएगी, इसलिए प्लीज यहाँ से जाओ, इससे पहले दादी और चाची को पता चले। तुम तो जानती हो वो क्या समझती हैं कि मेरे रंग रूप की वजह से तुम भी बदसूरत हो जाओगी। आरोही, मम्मी और दादी पड़ोस में गई हैं, घर में कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चल सकती हो। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हम वहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे और यह जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी है यह भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अब मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तारा की बातें सुनकर आरोही को अच्छा लगता है और वह उसके साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें तैयार होकर जा ही रही थी कि तभी सावित्री और संजना घर पर वापस आ जाती हैं और तारा के साथ आरोही को देखकर संजना आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस काली कलूटी बंदरिया, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी के आसपास भी भटकते हुए नजर मत आया कर, लेकिन देखो माँ जी, महारानी कैसे तैयार होकर मेरी बेटी के साथ पार्टी में जा रही है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, पता नहीं मनहूस क्यों जिंदा रह गई। इसकी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट होती है, हम ही जानते हैं। मेरी बेटी के रिश्ते भी नहीं आ रहे सिर्फ इस काली कलूटी बंदरिया की वजह से। मनहूस, घर में इतने सारे काम है उन्हें खत्म कर, आई बड़ी महारानी मेरी बेटी के साथ पार्टी में जाने वाली। शकल न सूरत, आवाज नहीं आ रही, मैं क्या कह रही हूँ? दादी और मम्मी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। रंग रूप हमारे हाथ में तो नहीं होता, ऊपर वाले ने जिसे जैसा बना दिया, और वैसे भी किसी के आ जाने से कुछ भी नहीं होता। अगर बड़ी माँ की मौत उस वक्त ही आनी थी तो आ गई, इसमें आरोही की कोई गलती नहीं है। और रही बात इसकी मेरे साथ रहने की, तो अब बहुत हो गया, आरोही मेरी बहन है और वो मेरे साथ रहेगी। अगर यह मेरे साथ रहेगी तो मैं बदसूरत नहीं हो जाऊंगी, और बदसूरत इंसान के चेहरे से नहीं दिल से होती है। लेकिन एक छोटी सी बात आप दोनों के समझ में नहीं आएगी, मम्मी अब आपको अच्छा लगे या बुरा, आरोही मेरे साथ रहेगी और पार्टी में भी जाएगी, वरना मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
तारा की यह धमकी सुनकर सावित्री और संजना चुप हो जाती हैं और तारा आरोही को अपने साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में ले जाती है। लेकिन बेचारी आरोही की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी कि घर से छुटकारा मिले तो बाहर सुकून मिल जाए। पार्टी में जाते ही तारा की दोस्त आरोही को देखकर हंसने लगती हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे तारा, यह तो किसे अपने साथ लेकर आई है? यह कितनी ज्यादा बदसूरत है, तो कहाँ और ये कहाँ? इसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, बिल्कुल काली बंदरिया लग रही है। तो इससे दूर हट जा, वरना इसकी काले साई की वजह से तो भी इसकी तरह बदसूरत हो जाएगी। देखो दोस्तों, कितनी बदसूरत लड़की है। ये मेरी बहन है और मैं मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। देख यार तारा, बुरा मत मानना, हमें नहीं पता था कि तू हमारी पार्टी में ग्रहण लगाने के लिए इतनी बदसूरत लड़की को लेकर आ रही है। इसकी वजह से पूरी पार्टी खराब होगी। देख यार, हमने सिर्फ तुझे इनवाइट किया था क्योंकि तू सुंदर थी। इतनी बदसूरत लड़की को तो हम कभी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करते, इसलिए इसे बाहर छोड़कर आ जा, उसके बाद हम इंजॉय करेंगे, ठीक है? इस पार्टी को छोड़कर मैं जा रही हूँ, जहाँ तुम जैसे लोग इंसानों के रंग रूप को देखकर जज करते हो, वहाँ तो मुझे वैसे भी नहीं रुकना। चल आरोही, हम यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये लोग तुम्हारा और मजाक उड़ाएं। ऐसा कहकर तारा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़कर आरोही के साथ घर आने लगती है कि तभी आरोही तारा से कहती है, देखा तारा, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, मेरी वजह से तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया। अगर मैं ना आती तो तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती। चाची ठीक ही कहती हैं, मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है। मेरा रंग रूप क्यों है ऐसा? मैं क्यों हूँ काली? मैं मनहूस हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती तो यह लोग मुझसे नफरत नहीं, तुम्हारी तरह प्यार करते। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में काला होना, बदसूरत होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। लेकिन बेचारी आरोही को कहाँ पता था कि वह तो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसकी सुंदरता उसकी चाची ने छीनी है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बिल्ली जख्मी फड़फड़ाती नजर आती है। आरोही तुरंत उस बिल्ली के पास जाती है, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी वह बिल्ली कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे देखकर इग्नोर नहीं किया, मेरी मदद की। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे बिल्ली बना दिया। मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब तुम जादुई चक्की का सोने का घाघरा लेकर आ जाओगी। मेरी जादुई सोने की चक्की का घाघरा उस दुष्ट जादूगरनी के पास है। अगर उसने जादुई चक्की को तोड़कर उसका सोने का घाघरा अपने शैतान बाबा को चढ़ा दिया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, और मैं हमेशा ऐसी ही बिल्ली बनकर इधर उधर भटकती रहूंगी। कृपया करके मेरी मदद करो। तारा और आरोही दोनों ही परी की मदद करने के लिए उसकी जादुई चक्की का सोने का घाघरा लेने के लिए जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं, और दोनों बहनें चुपके से जादुई चक्की चुराकर जादुई चक्की से सोने का घाघरा जादूगरनी से पहले पहले ले लेती हैं। और जब जादूगरनी तपस्या कर उठती है तो आरोही के हाथ में जादुई चक्की का सोने का घाघरा देखती है तो वह चौंक जाती है। तभी आरोही जादुई सोने के घाघरे से कहकर उसे रस्सियों से बांध देती है और उसके चारों तरफ आग लग जाती है। यह देखकर जादूगरनी और भी ज्यादा गुस्से से तिल मिला जाती है और वो आरोही से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू परी की मदद करना चाहती है, लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा? मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है कि तुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना तेरी दादी, ना तेरी चाची और ना ही तेरे पापा। तू हमेशा दूसरों की दुत्कार सुनती है, फटकार सुनती है, तेरा कोई दोस्त भी नहीं है। देख, परी की मदद करके तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तू मेरी बात मान लेती है तो अपनी इस बहन की तरह सुंदर हो जाएगी और उसके बाद सब तुझसे प्यार करेंगे, लेकिन यह जादुई चक्की का सोने का घाघरा मुझे दे दे। आरोही, मुझे क्या लगता है कि तुझे जादूगरनी की बात मान लेनी चाहिए। देख, अगर तू सुंदर हो जाएगी तो मम्मी, दादी, आस पड़ोस के सब लोग सब तुझसे प्यार करेंगे, कोई तेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर वो परी मरती है तो मर जाए, हमारी वो क्या लगती है? तुझे तो सुंदरता मिल जाएगी ना, तू तो खुश रहेगी ना। नहीं तारा, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, सुंदरता हासिल करने के लिए किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती। अगर वह परी इस जादुई चक्की के सोने के घाघरे की मदद से अपने असली रूप में आ सकती है तो मुझे उस जादूगरनी की बात नहीं माननी, मैं परी की मदद करूंगी। ऐसा कहकर आरोही जादूगरनी की बात नहीं मानती और वह परी की जादुई चक्की का सोने का घाघरा लेकर उसे दे देती है, जिसे हाथ लगाते ही बिल्ली परी के रूप में आ जाती है और वह परी आरोही से कहती है, आरोही, सच में
तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह मेरी जादुई चक्की का सोने का घाघरा लाकर मुझे कभी नहीं देता, इसलिए तुम्हें इनाम तो जरूर मिलेगा। यह लो मेरी जादुई चक्की का सोने का घाघरा, तुम पहनो। परी के कहने पर आरोही जैसे ही जादुई चक्की का सोने का घाघरा पहनती है तो उसके ऊपर जो काला जादू था वह टूट जाता है और वह बचपन की तरह अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। और उसके बराबर में खड़ी तारा वह काली और उसके चेहरे पर निशान और साथ में पूरी तरह गंजी भी हो जाती है। आरोही तारा को देखकर उदास हो जाती है और वह परी से कहती है, परी जी आपके जादुई चक्की का सोने का घाघरा पहनकर मैं तो इतनी ज्यादा सुंदर हो गई, लेकिन मेरी बहन वो ऐसी क्यों हो गई? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों बहन घर जाओ, मुझे सब समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ है, और घर आकर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। परी के कहने पर आरोही और तारा घर पर आ जाती हैं। आरोही को इतना ज्यादा सुंदर और तारा को ऐसा देखकर संजना गुस्से से तिल मिला जाती है और आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, माँ जी मैंने आपसे कहा था ना कि ये मनहूस अपनी बदसूरती से मेरी बेटी को बदसूरत बना देगी। देखो खुद तो कितनी ज्यादा सुंदर होकर आई है और मेरी बेटी को कैसा बदसूरत बना दिया। मेरी प्यारी बच्ची, यह तेरे साथ क्या हो गया, यह क्या अनर्थ हो गया। संजना, आरोही तो कभी से बदसूरत नहीं थी, वह तो बहुत ज्यादा सुंदर पैदा हुई थी, लेकिन तुमने काली शक्तियों से उसे बदसूरत बना दिया और अपनी बेटी को सुंदर, क्योंकि तुमने अपनी काली बेटी को जन्म दिया था और तुम निर्मला से जलती थी, इसलिए तुमने एक मासूम बच्चे से उसका बचपना छीन लिया और ऐसा करने के बाद भी उसे कभी प्यार नहीं दिया। मेरी जादुई चक्की के सोने के घाघरे की वजह से तुम्हारा रस खोल गया और अब तुम्हारी बेटी ऐसी ही बदसूरत रहेगी। परी जी, मैंने तो इतने साल अपनी बदसूरती के साथ काट लिए हैं, मुझे तो लोगों की खरी खोटी बातें सहन करने की आदत पड़ गई है, लेकिन मेरी बहन वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो बहुत अच्छी है। कृपया करके मुझे पहले की तरह कर दो और मेरी बहन को सुंदर बना दो, चाची की सजा तारा को मत दो। आरोही बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, हमेशा तुमसे नफरत की और माँ जी से भी कभी तुम्हें प्यार नहीं करने दिया, और आज तुम मेरी बेटी के लिए यह सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए, रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। संजना को अपने के पर पछतावा हो जाता है तो परी अपने जादुई सोने के घाघरे की मदद से तारा को भी सुंदर बना देती है और अब परी के जादुई चक्की के सोने के घाघरे की मदद से आरोही की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। उसे चाची का, दादी का और अपने पापा का प्यार मिल जाता है और एक दिन दोनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और दोनों बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।